तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सही में घर बैठे पैसे कमाने का एक तरीका बताने वाला हूँ। सही में जेन्युइन वे में घर बैठे पैसे कैसे कमाएंगे। ऑब्वियसली आपको कुछ काम करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं आपको एक जॉब के बारे में बताने वाला हूँ। जॉब है फ्लिपकार्ट का वॉइस प्रोसेस, यानी कि आप घर बैठे फ्लिपकार्ट के लिए कस्टमर सपोर्ट एजेंट बन सकते हैं और फ्लिपकार्ट के कस्टमर्स को हेल्प करके घर बैठे ही पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों इस जॉब के बारे में पूरा डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगा कैसे है, क्या पेमेंट स्ट्रक्चर है, कैसे ज्वाइनिंग करना है। उसके लिए आपको पूरा डिटेल्स वीडियो थोड़ा समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लीजिए, ताकि अगर आप चाहते हैं घर बैठे पैसे कमाना जेन्युइन वे में कुछ काम करके, तो इस वीडियो में जो है आपको मदद मिलेगा। आप चाहे तो दूसरों को भी ये वीडियो रेफर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, इस तरह का अपडेट मैं देता रहूँगा। अर्न मनी हो गया, बिटकॉइन, क्रिप्टो के ऊपर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन या फिर और भी जो भी बहुत सारे काम के इन्फॉर्मेशन है इसके रिलेटेड, इस तरह के जानकारी इस चैनल पे आपको मिलेगा। इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो एंड तक देखे अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको आज की इस वर्क फ्रॉम होम घर से पैसे कमाने का पैसे का जो जॉब है इसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है जॉब है फ्लिपकार्ट वॉइस प्रोसेस का, लेकिन यहाँ पे हायरिंग डायरेक्टली फ्लिपकार्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे हायरिंग कर रहा है स्मार्टरबीज नाम का एक VPO कंपनी। तो दोस्तों स्मार्टरबीज नाम का जो BPO कंपनी है इसके साथ कहीं ना कहीं मैं भी जुड़ा हुआ था, मैंने भी इसके लिए काम किया है, तो खुद के एक्सपीरियंस पे मैं आपको इस जॉब के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ताकि आप खुद डिसीजन ले सके क्या आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आप अप्लाई कर लो, पहले इसके बारे में समझ लो कैसा है उसके बाद अप्लाई करना। स्टार्टिंग में बता दूँ यहाँ पर काम क्या होता है। काम होता है दोस्तों देखिए, फ्लिपकार्ट वॉइस प्रोसेस आपका मोबाइल में जो है फ्लिपकार्ट की तरफ से आपका मोबाइल को मैप कर दिया जाता है, जो नंबर आप देते हैं आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ही फ्लिपकार्ट का कोई कस्टमर अपने फ्लिपकार्ट ऐप में कॉल मी बैक रिक्वेस्ट रेज करता है, तो फ्लिपकार्ट का जो स्ट्रॉगर है उसके द्वारा आपके कॉल को मैपिंग कर दिया जाता है कस्टमर के कॉल को, और आपके फ़ोन में वो कॉल लैंड होता है। आप उस फ़ोन को उठाते हो, कस्टमर का सारा डिटेल्स आपके सिस्टम में होता है और सिस्टम में देख के आपको जो है कस्टमर को हेल्प करना होता है। तो आप डरिए नहीं, आप अगर फ्रेशर है आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, यहाँ पे प्रॉपरली एक महीने का ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग पे आपको स्टाइपेंड अमाउंट मिलता है अगर आप ट्रेनिंग में क्वालिफाई कर लेते हैं तो, और क्वालिफाई करने के बाद आपको आगे जो है भेज दिया जाता है, यानी कि आप सेलेक्ट होकर आगे जब जाते हैं तो प्रोडक्शन में चले जाते हैं, उसके बाद आपको जो है नॉर्मल जो सैलरी होता है वो मिलता है। ट्रेनिंग में ट्रेनिंग का स्टाइपेंड अमाउंट भी आपको मिल जाता है, लगभग 3,500-4,000 रुपये ट्रेनिंग का भी आपको मिलता है यहाँ पे। तो ये रहा बेसिक चीज़। दूसरा चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे एक सबसे अच्छा चीज़ ये है स्मार्टरबीज में, आपको जो है आपके समय के अनुसार यहाँ पे आप अपना समय चूज़ कर सकते हैं कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक काम करूँगा। यहाँ पे 3 वर्किंग मॉड्यूल होता है, यानी कि 6 घंटे का, 8 घंटे का और 4 घंटे का। अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो 8 घंटा कर सकते हैं, जिसमें आपको 12,000 रुपये का सैलरी मिलता है प्लस इंसेंटिव मिलता है। यहाँ पे एक दिन वीक ऑफ रहता है, दूसरा 6 आवर का होता है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 9,000 तक मिल जाता है। अगर गलत हुआ तो, इस मॉडल के बारे में उतना नॉलेज नहीं है 9,000 के बारे में, 6 घंटे के बारे में। और एक है 4 आवर्स मॉडल, जिसमें आपको 6,000 रुपये प्लस इंसेंटिव मिलते हैं, एक दिन वीक ऑफ मिलता है। तो अगर आप चाहे तो इन तीनों मॉडल के अनुसार, आपके समय के अनुसार आप ये मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं किस टाइम किस मॉडल पे आपको काम करना है। अगर आप किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आप 4 घंटे का मॉडल चूज़ कर सकते हैं, तो आपके काम के साथ साथ ये भी काम आपको रात को कर सकते हैं आप। दूसरा, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी प्रीफर्ड टाइमिंग दे सकते हैं, जैसे कि मैं मॉर्निंग 7 बजे से रात शाम के 3 बजे तक काम करूँगा, इवनिंग के 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे से काम करूँगा, इस तरह का आप अपना टाइमिंग जो है कंपनी को दे सकते हैं, आपके TL को दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम 80% जो है आपका टाइमिंग ही रखा जाता है, कभी कभी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइमिंग को यहाँ पे चेंज भी किया जाता है। तो ये रहा टाइमिंग के बाद, अभी हो गया सैलरी के बाद। सैलरी दोस्तों देखिए, 10 तारीख को बोला जाता है कि सैलरी 10 तारीख को आएगा, लेकिन कभी कभी जो है 12 से 13 तारीख भी हो जाता है सैलरी आने में, लेकिन डरिए नहीं सैलरी आ जाता है। और तीसरा चीज़ हो गया, कभी कभी हॉलीडे के टाइम में दोस्तों 2 से 3 तारीख तक अंदर ही सैलरी मिल जाता है, सैलरी का कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा लेट होता है, ये एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लेट हो जाता है सैलरी आने में, बाकी जो है सैलरी यहाँ पे मिल जाता है। तो ये होगी आपका जो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक चीज़ें बता दिया। तीसरा हो गया काम के बारे में, मैंने आपको बता दिया आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, एक कांस्टेंट स्पीड वाला 30 MBPS का कनेक्शन होगा तो भी चलेगा, इतना स्पीड का एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और एक आपका कंप्यूटर होना चाहिए। बाकी कंप्यूटर इंटरनेट हो गया और आपका मोबाइल का नंबर जो है, जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो उस नंबर को दे देंगे, उसी पे फ़ोन आएगा, उसी से आपको कॉल बस पिक करना है, आपको डायल नहीं करना है, आपके पास फ़ोन आएगा, उस फ़ोन को आपको रिसीव करके जो है बात करना है कस्टमर से। तो ये हो गया बेसिक चीज़ें। बाकी जो ऐसे होता है, जो सिस्टम होता है, उसको चलाने का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा किस तरह से, बहुत ही ईजी है। जैसे आप मोबाइल में फंक्शन वगैरह ऑपरेट करते हैं, कोई भी वेबसाइट में जैसे फंक्शन ऑपरेट करते हैं उसी तरह होता है, वहाँ पे बस कस्टमर का डिटेल्स बस आपको चेक करके आगे प्रोसेस करना है होता है और कुछ नहीं। बाकी आपको सारा कम्युनिकेशन स्किल वगैरह आपको ट्रेनिंग दे दिया जाएगा यहाँ पे।
तो इतना हो गया ये सारी बातें। अभी मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करने का भी प्रोसेस बताऊँगा। तो दोस्तों अप्लाई का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है जो एक रेफरल प्रोग्राम के तहत मुझे दिया गया है, जो भी स्मार्टर बीज के साथ जुड़े हुए थे उनको दिया गया है। तो ये एक रेफर प्रोग्राम ज्वाइनिंग है, तो आप अगर इस रेफरल लिंक पे क्लिक करके ज्वाइनिंग करेंगे तो इस पर मेरे कुछ डिटेल्स फिल करने होंगे आपको। मेरा एक आईडी होता है, मेरा एक नाम और मेरा जो टीएल होंगे उनके नाम। तो कैसे फिल करने होंगे, कैसे आपको पता चलेगा मेरा आईडी, सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैं मेंशन करके रखा हूँ। बाकी मैं आपको फिल करके एक फॉर्म फिल करके यहाँ पे बता दूंगा कैसे फिल करना है, तो आप ताकि समझ ले। बाकी जो डिटेल्स होंगे, मेरे एक आईडी होगा ऐसे आईडी, मेरा नाम और मेरे टीएल के नाम जो है ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया हूँ। ये सारे डिटेल्स आपको इस फॉर्म में फिल करके सेकंड पेज में आपको अपना नाम अपना नंबर डालना है। उसके बाद आपके पास एचआर द्वारा कॉल करके आपकी इंटरव्यू ली जाएगी और इसके बाद आपको जो है सेलेक्ट करके आगे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर जो है ऐसा ऐसा प्रोसेस है, आपने समझ लिया होगा। और वर्कलोड दोस्तों, कभी कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, कॉल फ्लो कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है, आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं होता है। कभी कभी ऐसा वर्क कॉल फ्लो होता है जैसे बिग बिलियन डे सेल्स टाइम में ऐसा हो जाता है, नॉर्मली नॉर्मल डेज पे भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि रोज़ होता है। कभी कभी कॉल फ्लो कम होता है तो आपको रेस्ट भी मिल जाता है, काम के बीच में मान लीजिए 10-15 कॉल होता है, 5-6 कॉल होता है, कभी कभी आपको 30-40-50 से लेकर 70 कॉल तक एक दिन में पिक करना पड़ता है। तो आप इतना सोच समझ के डिसीजन लीजिए, ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देख लिया तो अप्लाई ही करना है, वो आपके ऊपर है। मैंने आपको बता दिया कितना काम होगा, कितना क्या होगा, सैलरी कैसा होगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था मैं बताऊँगा इस जॉब के बारे में। तो आप खुद डिसीजन लीजिए, इतना सारा वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद खुद आगे प्रोसेस कीजिए कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ कैसे आपको इस प्रोसेस को कैसे आप अप्लाई करेंगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन में और आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ प्रोसेस। तो दोस्तों इस जॉब की अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करने के बाद इस तरह का फॉर्म जो है ओपन होगा, इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। और एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, वीडियो में मैं बताना भूल गया, जो है एडुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से 3 ईयर्स प्रोग्राम के तहत जो ग्रेजुएशन है वो कम्प्लीट होना पड़ेगा, यानी कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ पर चाहिए होगा। तो दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें, इस जॉब के लिए अप्लाई करें। चलिए अभी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से अप्लाई करना है इस फॉर्म में। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका रेफरर एसए आईडी है, इसमें दोस्तों जो एसए आईडी डालना होगा उसका नंबर होगा SB.99012075। दोस्तों ये आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, रेफरर एसए आईडी। दोस्तों ये डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट के रूप में लिख भी दूंगा, आप कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे आपको रेफरल कंसल्टेंट नेम, इस पर यहाँ पे दोस्तों मेरा पूरा नाम डालना होगा, यानी कि इस तरह से मेरा नाम जो है आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मेरा नाम एंटर करने के बाद रेफरल टीएल पे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक टीएल का नाम मैं बता देता हूँ, जो मेरे रेप्यूटेड टीएल है उनका नाम यहाँ पे एंटर करना होगा, DIVYANGANA, ये नाम एंटर करना होगा रेफरल टीएल पे, और ये नाम मैं डिस्क्रिप्शन में जो है टेक्स्ट के रूप में लिख दूंगा। तो ये नाम को आपको एंटर करना होगा। इसके बाद रेफरल डिपार्टमेंट, इस पर आपको रेफरल डिपार्टमेंट पे AGENT एजेंट टाइप कर देना होगा। दोस्तों ये डिटेल्स आपको एक बार पूरे ध्यान से फिल कर देना है, रेफरल एसए आईडी मैंने ऑलरेडी बताया है, रेफरल कंसल्टेंट नेम, रेफरल टीएल नेम। तो ये लिखने के बाद ये डिटेल्स मैं टेक्स्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा। बाकी जो है यहाँ पे ये फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट फुल नेम, यानी कि अभी जो व्यक्ति जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप खुद अपना नाम यहाँ पे एंटर करेंगे, या फिर आप किसी और के लिए अप्लाई कर रहे थे उनका नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, XYZ जो भी नेम है। उसके बाद कैंडिडेट का जो मोबाइल नंबर होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ध्यान से ऐसा नंबर डालिएगा जिसमें इनकमिंग कॉल हो, ऐसा ना हो कि आपने गलती से कोई और नंबर डाल दिया जिसमें इनकमिंग कॉल नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप में मैसेज नहीं आएगा, डायरेक्ट आपके पास एचआर द्वारा कॉल किया जाएगा। तो नंबर यहाँ पे सही से जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा वो नंबर एंटर करेंगे, मैं डेमो के तौर पर 4 नंबर एंटर कर रहा हूँ। इसके बाद आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जो आपका सही ईमेल आईडी है वो एंटर करने के बाद यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल जो भी है एंटर करके फॉर्म को सबमिट कर देना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे यहाँ पे शो हो जाएगा कि योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड बोल के, जैसे रिकॉर्डेड से ही हो जाएगा आप निश्चिंत हो जाइए, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर ही आपके पास एचआर द्वारा कॉल आ जाएगा और आपका इंटरव्यू जो है वो एचआर कॉल पे ही ले लेंगे। उसके बाद वो आपको आगे की प्रोसेस समझा देंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो आगे जैसे आप सेलेक्ट होकर जाएंगे, ट्रेनिंग प्रोसेस होता है जो मेरे हिसाब से, मेरा जो मैं जो जब किया था, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ट्रेनिंग के बाद आपको OJT में भेजा जाता है, OJT के बाद आप डायरेक्ट प्रोडक्शन में जाते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझना है। प्रोसेस को समझने के बाद जो है बहुत ही आसानी से आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं। बाकी वर्क फ्लो कैसा होता है मैंने बता दिया है, बाकी जो सैलरी वगैरह कैसा है, कंपनी का क्या स्ट्रक्चर है, पे आउट सारा बताया। अभी आपको खुद डिसीजन लेना है आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सेम प्रोसेस है, आप बस अप्लाई कर लीजिए और वेट कीजिए, आपके पास कॉल आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, घर बैठे पैसे कमाने का ये वीडियो, घर बैठे काम करने का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।